sort of question, but we appreciate if your questions are related to constitution and the contemporary constitutional issues of the country. And you are free to criticize Justice Katju's ideas, thoughts, and views, whether on social media or otherwise. But when you do so, please do so with proper arguments or reasons. Don't criticize for the sake of criticism. And please ensure that your questions are precise, because we are about 400 people sitting here, and each one of us must be interested to quench our intellectual thirst. So everyone should get an opportunity. So let's take our first question with the Lordship's permission. Yes. Who wants to ask a question? Yes. Please pass on the mic to her. See, I regard all this reservation as humbug. This is all vote bank politics. It is. So, see, I am against all reservations on caste basis. Yes, if a student, a boy, comes from a poor family, he does not have money to buy books, textbooks. Whereas the other boys who come from rich families, they can buy the textbooks. Then the state should give books free to this young, this poor boy, so that he can compete with a level playing field. So special help and facilities should be given to poor of all castes and communities, not just Dalits. Also, if they are poor in Brahmins and Rajputs, whoever is poor should be given special facilities and benefits so that he can compete on a level playing field. But otherwise, this reservation, I mean, what is the use even talking? I don't want to even talk about reservation. It's nothing but vote bank politics. So it's no use, and it is well entrenched. So please don't now ask me to comment any. I mean, my mood goes off when people start talking. So let's not affect Lordship's mood. We'll take another question. Yes, please. कि सुप्रीम कोर्ट के चार जस्टिस कुरियन, जस्टिस गोगोई और दो जस्टिस और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अपना ओपिनियन दिया कि भारत का लोकतंत्र खतरे में, तो कानूनी तौर पर यह माना जाएगा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और जो हमारी अभी मौजूदा सरकार है वो उसको सही करने में फेल हो गई. और जबकि ये देखा जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका ओपिनियन ही लॉ माना जाता है, इसकी क्या राय है? देखिए, ये लोकतंत्र यहाँ का फर्जी लोकतंत्र है, कोई लोकतंत्र मुख्य नहीं. देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है मेजॉरिटी वोट पे, और मेजॉरिटी है कास्टिस्ट और कम्युनल, तो कास्टिस्ट और कम्युनल रूल हम पे हुकूमत करें. देखिए, टू मच डेमोक्रेसी इज ऑल्सो बैड. आपके 80-90% ऑफ पीपल आर फुल ऑफ कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, भरा हुआ है, गोबर भरा है सर में. देखिए, आप लोग प्रोफेसर हैं इस यूनिवर्सिटी के, चलिए मैं आपका अभी टेस्ट ले लेता हूँ. बहुत बड़े प्रोफेसर बन के आए हैं ना आप. अभी टेस्ट ले लेता हूँ. आपकी बेटी अगर दलित से शादी करना चाहेगी, आप राजी होंगे? कभी नहीं होंगे. मर्डर कर देंगे उसका. दलित लड़का अगर नॉन दलित लड़की, चाहे अपर कास्ट चाहे ओबीसी से इश्क करे और शादी करना चाहे, ही इज़ इनवाइटिंग डेथ सेंटेंस ऑन हिमसेल्फ. मैनी ऑफ देम मर्डर्ड. ऑनर किलिंग हो जाएगी. आपकी प्रोफेसरी सब रह जाएगी जब आपकी लड़की कहेगी दलित सब करके. तो
आप ना समझिए कि आप बड़े पीएचडी लिए हुए हैं और कोट और टाई पहने तो बड़े एजुकेट, मैं आपको ज़्यादा एजुकेटेड नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप में भी यही कूड़ा भरा हुआ है कास्टिज्म जातिवाद, सर में गोबर भरा है आपके भी, माफ करिएगा। ये ना कहिए बड़े एजुकेटेड हैं। देखिए एजुकेशन है कि ये टेस्ट ये है, आपने कास्टिज्म भरा है कि नहीं। ट्रूथ इज 95, मैं 100% नहीं कहता, 90-95% आप लोग प्रोफेसर्स के सर में ये भरा है कास्टिज्म। यू विल नॉट, वो भाग जाए लड़की घर छोड़ के वो अलग बात है, बट आपसे इजाज़त मांगे आप कभी नहीं देंगे, क्योंकि आप नीच मानते हैं दलित को। सच्ची बात है कि नहीं? आज भी 71 साल हो गए हैं आज़ादी के, इवन टुडे यू रिगार्ड दलित एज नीच। ये सच्ची बात है, आपका बड़ा पिछड़ा समाज है, यू आर अ वेरी बैकवर्ड कंट्री। आप गाय को माता मानते हैं, बताइए, सोचिए कोई जानवर किसी इंसान की माता हो सकती है? ज़रा दिमाग है आपको कि गोबर भरा हुआ है? आप कहते हैं बीफ खाना बुरी चीज़ है, अरे दुनिया बीफ खाती है भाई, अमेरिका खाता है, यूरोप खाता है, अरब कंट्रीज, रशिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, थाईलैंड, आपके अभी मैं केरला गया था, मैंने बीफ खाया, कोई बुरी चीज़ मैं नहीं मानता हूँ, दुनिया खाती है, वो सब बुरे लोग हैं, आप ही साधु संत हैं, वंडरफुल। गाय को मैं घोड़ा और कुत्ता से ज़्यादा नहीं मानता हूँ, जानवर है आप में, मगर पगलेटी भरी हुई है, माता 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 पागलों जैसे चिल्ला रहे हैं और पकड़। थैंक यू सर फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। इफ आई मे स्लाइटली रीफ्रेज दैट क्वेश्चन, व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट 400 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड लास्ट ईयर? See, frankly, I don't know completely about the reason why they held a press conference, because normally judges should not go to the media. It is not proper for serving judges to go. Once you retire, you can do anything you like. But normally, I mean, I can do it now. But once you are a serving judge, it is not proper to approach the media. It is not in our culture. Whatever we want to say, we say directly to Chief Justice of India or some senior judge. But what were the circumstances which provoked these four judges in holding a press conference? I was told that the Chief Justice of India would not listen to their request. But I also faced many Chief Justices who I thought were being unreasonable. But I never went to the media. It's not proper for judges to go to the media. Even if there are some Chief Justices who are reasonable, some who are not reasonable, you have to tolerate the unreasonable Chief Justice also. You can't go around holding press conference. Okay, we'll take the next question now. Okay, that's it, please. In the practical life, don't you think it's more of fault in the enforcing authorities rather than the constitution itself? And the provision for amendment in the constitution is enough to cater the needs of ever dynamic society? See, it's not by amending. Suppose you make an amendment that from tomorrow India is a land of milk and honey. Rivers of milk and honey will flow. Does it mean anything? Do you think great transformations are made by amending the constitution? Other than you amend the constitution that from tomorrow everybody will be rich, from tomorrow everybody will be wise. It is meaningless. Great sir, change. Sir, that is not what I am trying to say. What I am actually asking is, it is not the fault within the constitution itself. Whatever the paradoxical situation is there, it is present in the part of, it is fought more in the part of enforcing agencies rather than the constitution itself. See, I told you that when the constitution was made, the founding fathers thought that by making a modern constitution, it will pull up the backward feudal society into the modern age.
That was the expectation and the vision of the founding fathers. To a small extent it did. But the basic flaw in that thinking is this, that you can't bring about great changes by making constitutions. It requires historical struggles. It requires revolutions to bring about these great changes. Not by just, otherwise you make the best constitution, but in a backward a society full of casteism, communalism. You think by making a constitution you have abolished communism? 71 years, 68 years after you made the constitution, today people look down on Dalits, will not give their daughters in marriage to a Dalit because they think he is an inferior person. I was in Chief Justice Madras High Court. Once a judge of Madras High Court came to my residence with his wife. He was a Dalit, his wife was upper caste. They had a love marriage 30 years back or something. So his wife told my wife that when I married my husband, my family members performed my funeral rites. Mere kriya karm unhone kar diya ki main mar gayi hun. Aur tab se they have not maintained any contact with me. This is the level of your educated class. Leave aside, I forgive the poor people, they don't have education. Aapke educated class mein kitna bhara hua hai jatiwad. So does that require a whole... It requires a revolution. I can't keep repeating it. If you can't get it into your head, I can't give brains to people. Sorry. Okay, we make another question now. From that side, yes. Please give the mic there. Yes. Good afternoon, sir. Sir, my question is that it was pretty much evident from your speech that you are not in accordance with the Constitution of India. You don't like the Constitution of India, in other words, I would say. So, sir, my question is that what suggestions would you like to give so that our constitution becomes more effective? And secondly, sir, my question, the second part of my question is that you said that BJP, Congress, and all the other parties are of same stature. So my question is that in 2019, when we go to cast our vote, so to which people or to which political parties we should vote in to seek that we have a better India in future. What is the solution? आप किसी ठग को चुन लीजिए, एक सब ठग बैठे हैं, जो आपको बहुत प्यारा ठग लगे मुझको दे दो वोट, मैं तो नहीं दूंगा क्योंकि मुझे सब ठग लगते हैं. सॉरी, आई विल नॉट टेक पार्ट इन दिस नॉनसेंस. आप करिए, हम क्या आपको राय दें? आपको ठग प्यारे हैं? आपको जैसे वो इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ है, और आप पीछे पीछे जैसे द रैट फॉलोइंग द पाइट पाइपर ऑफ हेमलिन, उसके पीछे इंदिरा गांधी को धड़ाधड़ वोट मिल गया, जीत गई. फिर वो मोदी आए, उन्होंने कहा विकास 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 विकास, हाँ भाई विकास ले विकास, तुम्हारी नौकरियां तो चली गई जो थी वो भी चली गई, ये विकास हो गया है. अन्ना हजारे आए ईमानदारी, वो अरविंद केजरीवाल ईमानदारी करके चीफ मिनिस्टर हो गए, ले भैया ईमानदारी. अब हम क्या तुमको समझाएं? जब तुमको अकल नहीं है, यहाँ गोबर भरा है, तो भैया मैं इसका, मेरे पास इलाज नहीं है. सर, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट नोटा? अरे ये सब नॉनसेंस. मैंने कहा मुझे ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भरोसा ही नहीं है, तो नोटा या पोटा इट मीन नथिंग, इट मीन नथिंग, इट इज ऑल कास्ट. Sir, I have gone through with the article which you have written in the Times of India, the time you have earned as a chair of press council. Sorry? I have gone through with your article which you have written in Times of India, when you joined as a chair of press council of India, sir. Achha. I want your comment on the media trial. And media trial with respect to the commencement. Respect to? Commencement of the trial. Because media trial which is being made, why there are many cases, that when the case has been commenced, then the media trial should not be made. I want your opinion on this, that because in today's scenario, just the media should get those rights even to make the trial of those situations when the trial has been going on. They along with the fake news also, because nowadays,
The one thing that is the news and that is one thing that is another, that is the paid. देखिए ऐसा है, आपके मीडिया के जो मालिक हैं आप तो कर्मचारी होंगे, है ना? आप कर्मचारी हैं? तो जो मालिक हैं दे आर बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन गवर्नमेंट को नाराज़ नहीं करना चाहता है, क्योंकि नाराज़ किया तो गवर्नमेंट भी इस तरीके से परेशान कर सकती है, इनकम टैक्स नोटिस और पोल्यूशन नोटिस और ये नोटिस वो नोटिस, तो मालिक जो हैं वो नहीं चाहेंगे गवर्नमेंट को परेशान करना, तो चमचागिरी करेंगे गवर्नमेंट की, तो लिहाजा आपको भी चमचा होना, नहीं तो आपकी नौकरी गई। बहुत बड़े आप सीना तान के आए हैं जर्नलिस्ट, और ज़्यादा आपने बकबक किया तो आपको मालिक निकाल देगा नौकरी से, तो यू डेयर नॉट। आपके भी बीवी बच्चे हैं ना, उनको खिलाना है आपको, क्या खाओगे अगर नौकरी चली गई? ये माफ़ करिएगा, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर अ फ्यू मीडिया पीपल लाइक पी साइना, जिसने डिस्क्लोज किया था सब फार्मर सोसाइटी का, दो चार हैं, अदरवाइज मोस्टली आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द मीडिया। आप सब बिके हुए हैं भाई, यूएस क्या हो रहा है? टीवी तो मैं देखना मन, आपके गेस्ट हाउस में मैं आया, थैंक्स टू डॉक्टर बहुगुना, तो आई हैड अ टीवी इन माय रूम, तो आफ्टर वन ईयर आई हैव सीन टीवी, मैं देखना बंद कर दिया मैंने, क्या नॉनसेंस चल रहा है। एक वो लॉर्ड भाऊभाऊ उनका नाम रखा है मैंने, अब समझ सकते हैं आप कौन है, वो एक लॉर्ड हो थे ना वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो नाजीज के लिए ब्रॉडकास्ट करते थे, उन्हीं के नाम पर मैंने लॉर्ड भाऊभाऊ नाम रख दिया उनका, आप समझ सकते हैं किसका मैं इन इशारा किधर है। तो कैसे बिहेव करते हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। अब बीजेपी पावर में आई तो बीजेपी की चमचागिरी तरह तरह, अब बीजेपी अगर माने हार गए इलेक्शन, यही जर्नलिस्ट देखिए जो भी पावर में आएगा उसकी चमचागिरी शुरू कर देंगे। तो भैया थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। मीडिया वालों के लिए मुझे कोई ज़्यादा एक दो को छोड़ के मुझे कोई इज्जत नहीं है, यू आर ऑल सोल्ड आउट, सो द लेस सेड अबाउट यू द बेटर। अब कोई इशू मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ मीडिया के बारे में, मुझे बहुत दुख होता है, जो मीडिया को करना चाहिए। I agree with you. अब I'll give you one example, जो एक बेल आई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, अभिजीत अय्यर मित्रा है जिसने सेटिरिकल ट्वीट किया था अबाउट द कोनारक टेम्पल, और उसके लिए माफ़ी भी मांगनी थी, तो बेल तो मिलनी चाहिए थी भाई। देखिए उस पर वेल सेटल्ड रूल है ऑफ ग्रांटिंग बेल, विच वॉज लेड डाउन बाई जस्टिस कृष्णा अय्यर इन स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज बालचंद या बाल गोपाल, क्या देखी तो आपने? हाँ बाल गोपाल है, बालचंद। उन्होंने कहा बेल नॉट जेल इज द नॉर्मल रूल, यानी अनलेस द पर्सन इज अक्यूज ऑफ अ सीरियस ऑफेंस लाइक मर्डर और डेकोइटी और रेप और समथिंग, और ही इज लाइकली टू एब्सकॉन्ड और टेम्पर विद द एविडेंस और इंटीमिडेट द विटनेसेस, बेल शुड बी ग्रांटेड। और वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस कृष्णा अय्यर फॉलोड राइट अप टू रिसेंट टाइम्स, लास्ट ईयर जस्टिस लोकुर ने रिइटरेट किया इन दाताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी कि नॉर्मली बेल नॉट जेल इज द नॉर्मल रूल, मगर हमारे ग्रेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने डिसमिस कर दिया, और वो भी ये कह के कि आपकी बेस्ट प्लेस फॉर यू इज इन जेल। हाउ फ्लिपेंट एंड क्रूएल रिमार्क बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, when you have taken an oath to uphold the constitution, which means uphold article 21 liberty, aur ye aapne bail reject kar di taki usko kitne din sarna pada jail mein, just because he made a tweet, satirical tweet, us pe aapne kaha nahi aapki best place for you is in jail, aur ye chief justice of india sahab hain jo ki who is supposed to be the father of the constitution, ye to hal hai judiciary ka, hum kya kahe? Yes, next question, yes please hand over the mic.
Your Lordship, a judge of Meghalaya High Court named as Justice... I'm sorry, please do not take the name, just refer to it. A judge of Meghalaya High Court has observed in his judgment that secularism was not supposed to be adopted by the Indian Constitution. And another judge in Rajasthan High Court, who has retired recently, has commented on his last day before retirement that Peter maintains celibacy. So are these comments communal? Yeah, what are the comments? The comment that the Rajasthan judge has given in his judgment before his one year... What was the judgment? For God's sake, come to it. What was the judgment? The peacock maintains celibacy. Kya? Peacock maintains celibacy. Ye sab bevkufi ke remarks hain, ab kya bataye? So has communalism entered into the judicial schemes, and do the judges make such remarks before the judgment to get the post-retirement benefit or post? Yes, answer to both is yes. First, about first, देखिए जजेस कोई आसमान से तो टपकते नहीं हैं, समाज से आते हैं. जब समाज में कम्युनलिज्म है तो जजेस में भी है. बहुत जज, आई एम नॉट सेइंग ऑल जजेस आर कम्युनल, बट मेनी ऑफ देम आर. एंड यस, मेनी ऑफ देम सीक पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स. सो आंसर टू बोथ योर क्वेश्चन इज यस. That our politicians are full of casteism, and you said that when constitution bana tha, us time our society was not ready to adapt, and abhi tak we have taken like 70 years to adapt that particular constitution, and still this country is dying aur mandir wahin banega. So what is your view ki hum kab, when are we supposed to make a good constitution, and when is our society going to adapt it and leave this mandir wahin banega thing? Dekhiye, हमारी सोसाइटी आज भी सेमी फ्यूडल है, विच इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज रैम्पेंट कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म इन इंडिया. भाई इलेक्शन होते कैसे हैं? मोस्ट स्टेट्स में कास्ट और रिलीजियस वोट बैंक्स पे होते हैं. दिस शोज अभी भी बहुत सेमी फ्यूडल है इंडियन सोसाइटी. कब मॉडर्नाइज होगी? इट विल रिक्वायर अ रेवोल्यूशन. ये ग्रेट हिस्टोरिकल चेंजेस कैनॉट बी अचीव्ड पीसफुली. ये शांतिपूर्वक सत्याग्रह, गांधी जी ने कह दिया, आपने कर दिया सत्याग्रह, मगर क्या आपका कास्टिज्म अबॉलिश हुआ? आपका फ्यूडलिज्म अबॉलिश हुआ? मंदिर मंदिर किए जा रहे हैं. राम मंदिर बनने से क्या अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा? चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा? फार्मर्स डिस्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा? राम ये सब इलेक्शन के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहा है इसीलिए चिल्ला रहे हैं राम मंदिर राम मंदिर. इनफैक्ट आपको मैं बताऊँ, इन द ओरिजिनल रामायण ऑफ वाल्मीकि जो संस्कृत में है, उसमें राम इज नॉट अ गॉड, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज अ प्रिंस हु लेटर बिकेम अ किंग. वो तो 2000 साल के बाद इन रामचरित मानस ऑफ तुलसीदास ही बिकम्स अ गॉड. ही इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग इनटू अ गॉड. बट इन द ओरिजिनल रामायण इन संस्कृत और वाल्मीकि ही इज नॉट अ गॉड. आप किसी संस्कृत के स्कॉलर से पूछ लीजिए. तो जब ह्यूमन बीइंग है तो उसका टेंपल क्या बना रहे हो? टेंपल तो देवी देवता का बनाया जाता है, इंसानों को थोड़ी बनाया जाता है. तो मगर लोगों ने पढ़ा नहीं है ओरिजिनल रामायण इन संस्कृत, तो पढ़ा नहीं है. अरे आप लोग पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, इधर उधर हवा में तीर मार दिया कहीं. आप पढ़ लीजिए ओरिजिनल रामायण इन संस्कृत. राम इज नॉट अ गॉड एट ऑल. तो उसका मंदिर क्या बना रहे हो जो है ही नहीं भगवान? Yes. Your Lordship, we would like to know your views on uniform civil code and its applicability in future. Uniform civil code? Yes, sir. I am fully in support of uniform civil code. बिल्कुल absolutely बनना चाहिए. ये सब देखिए, ये मैंने कई बार कहा कि देखिए मैं ना, I am not in a popularity contest. अक्सर मैं बातें कह जाता हूँ जो मुझे बहुत अनपॉपुलर बना देती हैं. तो मैंने कहा ये बुरका पहनना और शरिया ये बिल्कुल नॉनसेंस है, बिल्कुल लीगली बैन कर देना चाहिए. तो कई मुसलमान चिल्लाने लगे. हमने कहा देखो, आई एम नॉट अ मुसलमान के वोट नहीं चाहिए मुझे. मैं तो कभी इलेक्शन लड़ूंगा नहीं क्योंकि विश्वास ही नहीं है मुझे इसमें. तुम्हारे वोट नहीं चाहिए. बट ये शरिया वरिया इज अ बैकवर्ड लॉ. सी, शरिया वॉज मेड इन द 7th सेंचुरी इन अरेबिया. Now, law reflects the social conditions of a society at a particular stage of its historical development.
Now from 7th century to 21st century, society is completely changed. How can you have today a law made in the 7th century? Can you have manusmriti today? It is nonsense. So law must change as society changes. So sharia ye bakwas hai bilkul bilkul. Aur ye kehna ki sharia abolish ho jaye to Islam abolish ho jayega, this is not correct. Hindu law, old Hindu law was almost totally abolished in 1955 by Hindu Marriage Act and 1956 by Hindu Succession Act. So kya Hinduism khatam ho gaya? Kya aaj Hindu log mandir nahi jaate hain, puja nahi karte hain? So it is nonsense to say ki sharia abolish kar do to Islam abolish ho jayega. Ye bilkul bakwas hai. And I am totally in favor of uniform civil code. All modern countries have a uniform civil code. Bilkul hona chahiye. Baatein magar ye BJP wale baat karte hain, ye karenge nahi kabhi. Inme ye farak, inme mujhme ye farak hai. BJP baat karega uniform civil code ka, karega nahi, banayega nahi. Kyunki unko to natak karna hai, ye sari political parties, chahe BJP chahe Congress, sab ye natak karne wale log hain. They don't have any idea. Inka bas hai ki kaise satta mile aur kaise maal mile, bas. Okay, we need to. Yes. Good afternoon, Your Lordship. My question to you is, in your speech also you mentioned the fact that the youth, the main fear of the youth in the future would be unemployment. So all of us aspiring law students who would like to enter the field of law, what would be your advice for the future? Okay, for you people will graduate with law degrees. Now you will have an option either to become a practicing lawyer or you can become a corporate lawyer. Corporate lawyers don't go to courts, they sit in the chamber, do corporate work, drafting deeds, merger deeds and so on. And or you could join some private company. So it depends on your temperament. If you opt to become a lawyer, I must tell you that it's a very tough profession and very competitive profession. I was a lawyer for 20 years before I became a high court judge. And mind you, my father was a high court judge, my uncle was chief justice, my grandfather was a top lawyer who became union home minister and governor and whatnot. So I had all that family background, yet for several years I found it very tough. Because you see, when you are a new lawyer, nobody trusts you, you don't have any experience. Why will anybody give you his case? So the first few years of a lawyer are very tough. Unless of course you are the son of a judge or a son of a senior lawyer who will promote you immediately. Otherwise it's a very tough profession. And initially you'll have to struggle to create a nucleus of cases, 15-20 cases, which will be sent to you by relatives and friends. And those you must work on very hard so that you get a good reputation. Then the practice spreads around that nucleus and it keeps expanding and you become a good lawyer. But initial 4 or 5 years are going to be very tough. So you must be prepared for that. Otherwise you can sit in the competitive examination or join some company. We'll start paying you an income immediately. So you have various options. But it's going to be tough if you become a lawyer. Okay, I will take another question. Is there? Good afternoon, Your Lordship. I would like to know the opinion of Lordship on the context that right to speedy justice should be added to the chapter 3rd of Indian Constitution, as they are equally important in today's world. In the past, my court takes 3 to 4 years in solving a single case. Does the purpose of making fast-track court rulings? Yeah, I'm not able to understand your question. What is your question? What is she saying? So does the purpose of making fast-track courts fulfill? Because even the fast-track courts will take around 1 to 3 years to dispose of the cases. Okay, now please listen. Many people blame judges that they are not working, they are lazy, they don't decide cases quickly. Now please understand the real situation. I was a judge of Allahabad High Court at one time, from 1991 to 2014. Now Allahabad High Court had set a norm that one judge of the subordinate judiciary should not have more than 300 cases pending before him at one time. So once a judge of a subordinate judiciary, CGM Kanpur Nagar, came to meet me at Allahabad.
I asked him, how many cases are there pending before you alone? And he said, 30,000. There should be maximum 300. There are 100 times more. Another subordinate judiciary judge came to meet me, CGM, Ghaziabad. I asked, how many cases are there in your court alone? He said, 21,000. Somebody has 15,000. Recently, I went to Bulandshahr. And in that PW guest house, the district judge and CGM Bulandshahr came to meet me. I asked the CGM Bulandshahr, how many cases are in your court alone? He said, 25,000. Now, when a man can carry 100 pounds of weight and you put an elephant on his head, what is going to happen? He will collapse, and that is what has happened. What can you do? You see, to decide a case takes some time. You can't do it in 1 second. You have to read the papers, the plain written statement and so on. Then you have to read the documents. You have to hear the witnesses, the cross-examination, then the arguments of the lawyers. And then you have to apply your mind. Then only a high quality judgment can come. It can't come in 1 second. We are not a superman. And when there's 15,000-20,000 cases, what can the judge do except tarikh pe tarikh diye jao, kya kare? It is an impossible situation. In America, 93% cases are never decided. They are sent away, diverted to mediation and so on. So only 7% or so are decided where some legal point is involved. Otherwise, they all divert. Yahan to sab court ko decide karna hota hai. So it's an impossible situation. 33 million cases pending in the courts today. ये तो कहते हैं कि अगर no fresh case is filed today, it will take 360 years to decide these cases. अब आप जो कहना चाहें कहिए, but I am not saying that there are no lazy judges. I am not saying there are no corrupt judges. There are. But even if all the judges were honest and hardworking, yet look at this. You can anybody deal with this situation? It's impossible. Sir, can ADR be a way out in Indian context also? Sorry? Can ADR, Ultimate Dispute Resolution, be a way out? It has all been tried, all failed. Because lawyers have no faith in that. They feel that ADR will take away our income. Lawyers will fiercely resist ADR. Lawyers ka to hai, humara paisa banta jaye. Unko kya hai? Wo ek kahani hai, unki ek father the, wo ek case लॉयर थे, एक केस हैंडल कर रहे थे कितने 20 साल से. फिर उनका लड़का वकील बना, तो लड़के को दे दिया उन्होंने केस, तुम इसे हैंडल करो. उसने हैंडल करके 3-4 महीने में उसको डिसाइड करवा दिया. और फादर से कहा, देखिए आप 20 साल से नहीं डिसाइड करवा पाए मैंने तीन. तो फादर ने बड़ी डांट लगाई, बेवकूफ़ आदमी, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती थी, 20 साल से चल रही थी, तुमने ख़त्म कर दी. ये तो मजाक रहा, मगर द पॉइंट इज लॉयर्स ऑल्सो मैनी ऑफ देम हैव वेस्टेड इंटरेस्ट. कि चलता जाए, हर डेट पे हम एक बिल भेज देंगे. तो आई एम नॉट सेइंग ऑल लॉयर्स आर लाइक दैट, बट मैनी ऑफ देम आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, प्लीज पास द लाइन. नहीं नहीं, हम अमेंडमेंट में बिलीव ही नहीं करते हैं. ये अमेंडमेंट से सोसाइटी नहीं बदलती है भाई. क्या अमेंडमेंट, आप एक अमेंडमेंट कर दें आज से अनएम्प्लॉयमेंट अबॉलिश्ड, तो क्या हो जाएगा अबॉलिश इससे? विच इज नॉन सेंस. ये अमेंडमेंट नहीं, बड़ा ड्रास्टिक हिस्टोरिकल चेंजेस आ रही है. Can anybody get me some coffee or something? एक कप कॉफी मंगा दीजिए. हाँ, yes. Very good afternoon, sir. And in your speech, you said all the problems which you talked about were the social evil which do exist in every society. There is no country in the world where poor man does not exist. And Constitution, India before independence was a place where Muslims and Hindus and people of different religion and castes were not
supposed to dine together and they had different bathing for and temples to visit. What is the question? Sir, right now India has progressed so much and I think that is because of the constitution. Constitution has no evil in itself, but it is for progress. It is what is going on in reality which matters, or what is written in the constitution which matters. Reality है कि मुस्लिम्स को लिंच किया जा रहा है कि नहीं, पकड़ के गई गाय मार दिया और उसको लिंच कर दिया, ये देखेंगे कि तुम आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का देखोगे. ये सब कहने की बातें हैं. जी, आवर सोसाइटी इज़ अ वेरी बैकवर्ड सोसाइटी. उस पर आपने ऊपर से लगा डाल दिया एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ये सोच के कि ये इसको कॉन्स्टिट्यूशन विल लिफ्ट अप द बैकवर्ड सोसाइटी एंड ब्रिंग इट इन टू द मॉडर्न एज. मगर ऐसे नहीं होता है भाई. इट रिक्वायर्स हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स, जो यूरोप में हुए हैं स्ट्रगल्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द बैकवर्ड सोसाइटी इन टू अ मॉडर्न सोसाइटी. फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसमें तमाम एरिस्टोक्रेट्स की गर्दनें गिलिटीन पे कटी, तब जाके मॉडर्न सोसाइटी क्रिएट हुआ. इट रिक्वायर्स हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स. आप पढ़िए यूरोपियन हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, फ्रेंच हिस्ट्री. ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन आर डन बाई हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स इन विच मैसेज आर इन्वॉल्व, नॉट बाई जस्ट क्रिएटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन विद मॉडर्न प्रिंसिपल्स. ओके, नाउ वी आर रियली शॉर्ट ऑन टाइम, सो वी विल टेक टू और थ्री मोर क्वेश्चंस एंड विल वाइंड अप. Yes, sir. Yes. Good afternoon, sir. Recently, you posted something on Facebook against Bihar, is that Bihari rangbaaz hote hain. नहीं नहीं, क्या मैंने क्या लिखा था? बिहारी रंगबाज होते हैं. क्या होते हैं? रंगबाज सर. अरे मजाक किया था भाई तुमको, या मजाक यू? तुम लोगों को कोई सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, कोई मजाक को मजाक समझना चाहिए. तुम अब मैंने मजाक में कह दिया कि बिहार को दे दो पाकिस्तान को, कश्मीर के साथ, ये मजाक था. अब उस पर जो मेरी पुतला जला दिया गया, जलूस निकल गए, आपके मुख्यमंत्री जी ने हल्ला मचाया. अरे भाई, फिर मैंने भाई माफ़ी मांगी, मैं बड़ी जल्दी माफ़ी मांग लेता हूँ. अगर तुम्हें बुरा लगा माफ़ी मांग, यही मैंने उड़िया लोगों के बारे में मैंने माफ़ी मांगी उनसे भी. अरे भाई, तुमको मजाक भी जो सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करना चाहिए. अब वो एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में हुई कि सब सरदार जी जोक्स बैन हो जाने चाहिए. देखिए, वो एक सरदार जी बैठे हैं सर. तो मेरे अच्छा, वो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को रेफर किया जिसके हेड थे जस्टिस H.S. बेदी. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर हो गए, वो भी सरदार, मेरे वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरे कोलीग थे, मुझसे जूनियर थे. तो उन्होंने रिपोर्ट दिया कि ये सब नॉनसेंस है, मैं खुद सरदार जी जोक्स एंजॉय करता हूँ, सुनाता रहता हूँ. इट इज़ ऑल नॉनसेंस. अरे जोक्स होते हैं तो मजाक को मजाक समझना चाहिए, इसमें बुरा मानने की क्या बात है. हाँ, एक आप बिल्कुल मत लीजिए, मजाक को मजाक समझिए. नाउ विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, एक्सक्यूज मी सर. आई हैव हर्ड यू कंप्लीटली, आई एम यूजिंग द वर्ड कंप्लीटली. But what would be the way out to remove the discrimination in society, to remove the unemployment in India, to make competent living document a new law in place of our Constitution of India? Is there any systematic pattern or roadmap in your mind? Can you explain in detail systematic wise? अरे मैंने बता दिया. अच्छा बैठो. आ
आप सिख हैं ना, अरे आप सुन लीजिए सिखों के बारे में सुनिए, गुरु नानक वॉज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, सबको, अरे भाई सुनो ना, गुरु नानक वॉज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, इनफैक्ट सिखिज्म अरोज एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द इनह्यूमन कास्ट सिस्टम हो गया था, उसके खिलाफ बगावत की गुरु नानक ने, गुरु नानक जात व्यवस्था को नहीं मानते थे, मगर हकीकत क्या है आप लोगों में, अरे सुनो, जाट सिख नीच मानता है दलित मजहबी सिख को, दलित सिख को मजहबी सिख कहते हैं, अरे भाई मेरी बात सुनोगे, सुनो, इंडियन आर्मी में दो रेजिमेंट्स हैं, एक का नाम है सिख रेजिमेंट जिसमें 60 सिख जाट सिख होते हैं, और एक है सिख लाइट इन्फेंट्री जिसमें मजहबी या दलित सिख होते हैं, दो रेजिमेंट अलग, एक साथ बैठ नहीं सकते हैं, वो एक साथ रखेंगे लड़ाई हो जाएगी, तो उनको आज भी, इन्हें अंग्रेज़ों के ज़माने में बनी थी ये रेजिमेंट्स, आज क्यों चलती जा रही है, आज क्यों बताइए, वाई इज़ देयर सिख रेजिमेंट जिसमें जाट सिख हैं और सिख लाइट इन्फेंट्री जिसमें दलित सिख हैं, क्यों अलग अलग रखा गया है, क्यों नहीं एक ही रेजिमेंट होनी, क्योंकि आज भी आप जाट सिखेंगे कि मजहबी सिखें, क्या हैं आप, क्या है साहब जल्दी बताओ, अरे अरे भाई, अरे हम ये कह रहे हैं कि आप बिफोर यू गो टू क्वेश्चन, एक चीज मैं भूल गया कहना, ये पंचायत राज का 73rd अमेंडमेंट आया, ये क्या आया, अच्छा बड़ा, देखिए हवाई बातें कुछ हैं और रियलिटी कुछ है, कि वो गांधी जी ने कहा कि गिव पावर टू द पंचायत, वो अरविंद केजरीवाल ने किताब लिखी स्वराज, उसमें लिखा गिव पावर टू पंचायत, और हकीकत यह है पंचायत की, हकीकत यह है पंचायत आर फुल ऑफ कास्टिज्म एंड करप्शन, दे आर अड्डे हैं कास्टिज्म करप्शन के, और उनके जो जो ये प्रधान हैं, इन्होंने लूट लिया सारा जो गांव सभा लैंड था, मैंने जजमेंट दिया, यूपी का मैं हूँ वैसे तो, कश्मीरी पंडित है, यूपी में सेटल था, एक इंच नहीं रहा गांव सभा लैंड, जो कुछ लैंड होता था हर गांव के साथ जुड़ा हुआ, जो कॉमन यूज ऑफ विलेजर्स होता था, वो सब प्रधान ने अलॉट कर दिया अपने रिश्तेदारों के नाम, तो ये तो आपका ग्राम पंचायत है, कहने को बड़ा इट साउंड वेरी रोजी कि गांधी जी ने कह दिया और अरविंद केजरीवाल ने कह दिया, हकीकत पंचायत की ये है कि अड्डे हैं कास्टिज्म और करप्शन के, एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय बिग लैंड होल्डर्स बिहाइंड द सीन्स, अपने पपेट्स को खड़ा करके वो जिता देते हैं इलेक्शन, हाँ यस, यस भाई, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट बहुत थे, इतना ही मैं कह सकता हूँ, वेरी गुड आफ्टरनून सर, सर लॉट्स ऑफ मीडिया स्टूडेंट्स आर ऑल्सो सिटिंग हियर, सो माई क्वेश्चन इज एज वी हर्ड यू दैट मीडिया इज कम्प्लीटली बिग आउट, सो व्हाट वुड बी योर सजेशन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ मीडिया, देखिए अब व्हाट सजेशन कैन आई गिव, बट द रियलिटी इज दैट द मीडिया हैज बीन टेकन ओवर बाय बिग कॉरपोरेट्स, ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ने टेक ओवर कर दिया मीडिया हाउसेस को, एंड अगर आपने चू भी किया उनके इंटरेस्ट के खिलाफ, वो खट से आपकी नौकरी गई, आई नो मैनी मैनी मीडिया पीपल हु लॉस्ट देयर जॉब्स, एक हैं आई स्पोक टू करण थापर, वेल नोन जर्नलिस्ट, आई गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने उनसे बात करी, पहले वो CNN के लिए करते थे, CNN IBN, वहाँ से उनको निकाल दिया गया, फिर इंडिया टुडे में आए, वहाँ से भी निकाल दिया गया, तो मैंने पूछा उनका, ही टेलीफोन मी, आई ने वो टेलीफोन, ही टेलीफोन मी, तो बाय द वे मैंने पूछा भाई क्यों आप, बोले क्योंकि ये परसेप्शन था कि आई एम एंटी मोदी, तो मुझको मैनेजमेंट ने इस वजह से निकाल दिया, तो अब बताइए कि अच्छा, क्योंकि मोदी जी
को खुश करना चाहते हैं ये बिजनेसमैन जो ओनर्स ऑफ द मीडिया हाउसेस, तो लिहाजा कुछ हिंट दिया होगा मोदी जी ने पॉसिबली कि भाई ये जर्नलिस्ट मुझे नहीं पसंद है, तो उन्होंने साहब निकाल दिया। तो ये तो आप मीडिया में रह के ज़्यादा आप बोल नहीं सकते हैं, समझ लीजिए, क्योंकि देखिए आप भी, आपकी फैमिलीज हैं, बीबी बच्चे हैं, उनको खिलाना है, तो यू डे नॉट लूज योर जॉब। तो आपने कुछ जो आपके मीडिया हाउस की लाइन है उसके खिलाफ कुछ कह दिया है, लिख दिया, तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ये प्रॉब्लम क्या चीज़ मीडिया को कहते हैं अरे ये सब चोरीबाजी है। रियलिटी जो मैं आपको बताया वो है, देखिए इन मीडिया एट वन टाइम दे वर वेरी ग्रेट जर्नलिस्ट। राजा राम मोहन रॉय हिमसेल्फ वॉज अ नॉट ओनली सोशल रिफॉर्मर, ही वॉज अ जर्नलिस्ट। दो मैगजीन निकालते थे, एक फारसी में एक शायद बंगला में या क्या, हाँ, और बड़े बड़े जर्नलिस्ट हुए हैं इंडिया में। गणेश शंकर विद्यार्थी ही वो स्किल्ड व्हेन ही वो स्किल्ड बाय अ कम्युनल मॉब। गणेश शंकर विद्यार्थी, निखिल चक्रवर्ती जो जिन्होंने ग्रेट बंगाल फैमिन के बारे में बहुत लिखा, बड़े बड़े ग्रेट जर्नलिस्ट हुए हैं। मगर आज कल जो जमाना आ गया है कि इतना कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है मीडिया का कि अब आपको बहुत रेयर है, एक जैसे पी साईनाथ को मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उसने ये जो फार्मर सुसाइड हो रहे थे, 5-6 साल तक मीडिया वालों ने नहीं छपने दी खबर, नहीं छपने दी, नहीं छपने दी, सिंगल हैंडेडली पी साईनाथ ने उसको एक्सपोज किया। लाखों सुसाइड हो रहे हैं, फार्मर्स खुदकशी कर रहे हैं, मगर मीडिया वाले नहीं छपने देंगे उसको, 5-6 साल नहीं छपने दिया सर। बड़ी मुश्किल से उसने किसी तरीके से उजागर किया, मगर इतना बड़ा हादसा था कि कब तक दब सकता सर। तब रिवील हुआ कि कितने लाखों सुसाइड हो गए फार्मर्स के, बट आप मीडिया वालों ने दबा दिया साहब, नहीं छपने दिया। क्या छपेगा, करीना कपूर का लड़का तैमूर घूम रहा है और वो अमिताभ बच्चन का ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर आराध्या का क्या हो गया, उसकी बर्थडे पार्टी हुई है, हैं? एक बॉम्बे में लैक्मी मॉडल कॉन्टेस्ट हुआ, 512 जर्नलिस्ट कवर्ड दैट लैक्मी मॉडल, जिसमें मॉडल्स कपड़े पहने थी और वो परेड कर रही थी मॉडल, और जो किसानों ने वो कपास बोया था जिससे वो कपड़ा बना था, उसी वक्त वो सुसाइड कर रहे थे, एक घंटे वन आवर फ्लाइट अवे इन विदर्भा, वो फार्मर सुसाइड कर रहे थे, उनको किसी मीडिया वाले ने नहीं कवर किया। 512 पहुंच गए ये लैक्मी मॉडल कॉन्टेस्ट को कवर करने के लिए। ये आपके मीडिया वालों का हाल है, जो रियलिटीज़ है उससे आप अटेंशन डाइवर्ट कर दो, क्या दिखाओ, क्रिकेट तो एक ओपियम हो गया है मैसेज का, कि जनता को रोमन एम्प्रेस कहते थे ना, इफ़ यू कैनॉट गिव द पीपल ब्रेड गिव देम सर्कसेस, जो जनता को रोटी नहीं दे सको तो क्रिकेट दो। आजकल विराट कोहली छाए हुए हैं, और कौन छाया हुआ है, न्यूजीलैंड में टीम गई है, यानी भुखमरी ने कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, क्या मुद्दा है, वो इंडियन टीम न्यूजीलैंड विजिट कर रही है, उसको धड़ाधड़ छाप रहे हैं आप लोग, और फिल्म स्टार्स की लाइफ पे छाप रहे हैं। तो ये तो आप लोगों का हाल है, डाइवर्टिंग अटेंशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द रियल इशूज टू नॉन इशूज। ये फिल्म स्टार्स की लाइफ, जो क्रिकेट, ये कोई मुद्दा है, जबकि आपके सामने भीषण समस्याएं खड़ी हैं, बेरोजगारी की बढ़ती, बेरोजगारी बढ़ती, भूख, बच्चों की भूखमरी, उस पर नहीं ध्यान जाता है। आप कितना आपने छापा उस पर, हार्डली 2-4 छापा होगा, 2-4%, 90% कवरेज आपकी एंटरटेनमेंट की, फिल्म स्टार्स की लाइव, कौन फिल्म स्टार का इश्क किसके साथ, वो शादी हुई थी अभी वो मुकेश अंबानी की बेटी की, जो धड़ाधड़ छापा गया, और कौन, 2-3 और लोगों की शादी हुई, प्रियंका चोपड़ा नहीं, किसका हुई है, दीपिका, प्रियंका जी और दीपिका को ही हुई, उनकी शादी पे आप लोग छाप रहे हैं, जैसे कि यही मुद्दा है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, भुखमरी कोई मुद्दा नहीं है, और किसान आत्महत्या कर रहे हैं कोई मुद्दा नहीं है। ये है कि शादियां हो रही हैं जिसमें सैकड़ों करोड़ खर्च हो रहे हैं, उसको आप लोग उछाल रहे हैं,
ये आप लोगों का हाल है साहब. Now we'll take the closing question. Yes. So very good afternoon to you. May I have the liberty to make a statement before stating my question? Sure. So this cup of tea that is in front of your coffee that has prompted me to make this statement. Certainly, by all means. So we have all heard that justice must not only be done but seem to be done. There is a judgment that has been authored by your honor. Armugam Shivai versus State of Tamil Nadu. Yes. Which involved the system of two tumbler system. A separate set of tumblers were maintained in restaurants in which one set of tumblers for scheduled caste and the other set of tumblers for the commoners. So the judgment that you have authored, so you have directed the officials to take such measures that the system is done away with. So this is social transformation. So my question is, sir, as a humble and sincere student of law, what is the one quality that we all must imbibe in ourselves so that we also act as a tool of social transformation? Dekhiye, my suggestion to you is कि अभी आप अपना करियर बिल्ड करिए. अभी ये समाज सेवा के चक्कर में न पड़िए. अभी देखिए, एक चीज़ सुन लीजिए. अब सुनो, अभी यू आर अ बर्डन ऑन योर पेरेंट्स. तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी फीस जो देते हैं, कौन से देती है? आसमान से नहीं टपकती है. तुम्हारे पेरेंट्स अपनी गहरी सुनते हो नहीं, अपनी गाड़ी कमाई से पैसा निकाल के तुम्हारी फीस देते हैं. यू आर अ बर्डन ऑन योर पेरेंट्स. कब तक बने रहोगे बर्डन ऑन योर पेरेंट्स? मैं 23 साल का उम्र का था, मैंने तब से एक पैसा नहीं लिया अपने बाप से, अपनी कमाई. तो अभी तो यू हैव टू बिल्ड अप करियर, स्टार्ट अर्निंग योर ब्रेड. अभी से समाज सेवा करने लगे, खाने को है, मतलब जेब में कुछ है नहीं, बाप से लेके पैसा लेते हो समाज सेवा. So lordships, advice to every one of us is, first be self-dependent, then you think about changing and reforming the country. Thank now, you. On that note, thank you very much, lordship. Let us give a big round of applause to Lordship Katju. And we have a standing ovation for sir, for being honest. पे आया हो, विकास पे आया हो, धर्म पे, गौ माता पे, गौ मास पे,
और पंचायतों पे जजों के चरित्र पे और तमाम बात आई ये जस्टिस काटू के अपने विचार है और मैं समझता हूं कि ये सभा और ये डिस्कशन यहां समाप्त नहीं हुआ इनके विचारों से आप फेसबुक के माध्यम से आप जुड़ करके और फ्यूचर में भी आपके साथ डायरेक्ट ईमेल करके इस पर डिस्कशन को जारी रख सकते हैं। लॉ कॉलेज देहरादून ने एक महीने पहले ये स्टार्ट किया था कि वी आर कॉलिंग लीडिंग जजेस एंड लीगल लिबरलीज ऑन दिस प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड हैव दी देयर व्यूज with you and it will be continue. We have long line and at this mode vote of thanks is even mere formality, but after this I thanks my Lord from the bottom of my heart and on the behalf of all these students. I also take this opportunity to thank Honorable Chancellor sir under whose guidance, supervision under Honorable Vice Chancellor sir, our director Dr. Joshi sir, and all faculty member, HOD ma'am, the convener of this seminar, Dr. Poonam Rawat, and of course, my special thanks to the student of mass communication who are very, since morning they are here standing to cover this event. This is their R&D project life, and also Dr. Bora who is leading them, and my thanks to the DRD. President Karam Pratap Singh and his team, all fauna and all, I cannot name all of them, but all and besides these, all the society members, participants, all participants who have come from different universities, I thank you from the bottom of my heart and everyone who has acted, who has done something directly or indirectly for the success of this seminar. Thank you very much. Thank you so much. Now may I please request all of you to please rise up for the national